गुड इवनिंग एवरीबडी, हाउ यू ऑल? होप यू ऑल फाइन. ओके, वेरी गुड. सो इन द लास्ट क्लास वी ऑल हैव डिस्कस्ड अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एंड आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी व्हाट्स द डिफरेंस इन बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. गुड, वेरी गुड. सो बिफोर स्टार्टिंग विद आवर न्यू टॉपिक, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लेट्स कंप्लीट फर्स्ट एजियोट्रॉप्स. ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड लिटिल बिट अबाउट इट, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन शो एजियोट्रॉपिक प्रॉपर्टी और नॉन आइडियल सॉल्यूशन. वेरी गुड, नॉन आइडियल सॉल्यूशन. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस फॉर्म एजियोट्रॉप्स. नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म एजियोट्रॉप्स. यू नो व्हाट आर आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर हैविंग अ सेम नेचर. इफ वन इज पोलर, अदर शुड बी नॉन पोलर. If one is non-polar, other should be non-polar. That will be your ideal solution ka property. What about non-ideal solution? On non-ideal solution, they will be having a different nature. If one is polar, other will be non-polar. That we have discussed. Okay? Now in non-ideal solution, we have also discussed one point, that is they form azeotropes. That they form azeotropes. Now azeotropes hote kya? Minimum boiling point azeotropes, maximum boiling point azeotropes. You remember? पॉजिटिव डेविएशन वाला केस, दे शो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट. उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है एंड ड्यू टू विच वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर. इट विल शो एंडोथर्मिक प्रॉपर्टी. डेल्टा वी, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव, इट विल इंक्रीज. वट अबाउट इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन? एवरीथिंग विल बी रिवर्स्ड एज कम्पेयर टू पॉजिटिव डेविएशन. सो इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, दे शो मैक्सिमम एजियोट्रोप्स, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. इफ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा देन वट विल हैपन? वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, एक्सोथर्मिक नेचर होगा एंड डेल्टा वी मिक्सिंग, विच इज वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग. सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करोगे तो वॉल्यूम जो होगा आपका, चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, दैट विल डिक्रीज, दैट विल बी नेगेटिव. ठीक है, दैट वॉज ऑल अबाउट. नाउ एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? लिक्विड मिक्सचर्स. वी नो अगर एक पर्टिकुलर सॉल्यूट लेते हो, लेट सपोज आई हैव टेकन एल्कोहल, एल्कोहल लेते हैं. ठीक है, एल्कोहल विच इज़ बी कम्पोनेंट, उसका एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज़ 351. ठीक है ना, एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा आपका? 373 केल्विन. सी, अ पर्टिकुलर कम्पोनेंट हैव अ पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट, चाहे वो सॉल्यूट हो सॉल्वेंट हो. ठीक है ना, बट यू विल से कि मैम जब मिक्स कर देते हैं तो क्या उनके बॉइलिंग पॉइंट पर फ़र्क पड़ेगा? यस पड़ेगा. कितना पड़ेगा? मीन्स इट विल डिक्रीज या फिर इंक्रीज, डिपेंड करता है. सी, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ऑल्दो हमें जो सॉल्यूशन मिला था होमोजेनियस था, इट वाज हैविंग अ होमोजेनियस वन, बट इट वॉन्ट शो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट. आपका आइडियल सॉल्यूशन जो था वो बॉइलिंग पॉइंट्स का जो होगा, दैट वॉन्ट बी कांस्टेंट, मीन्स इट विल बी वेरिंग. एट सम पॉइंट द बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिफरेंट, एट अदर पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिफरेंट. सो दे डोंट फॉर्म एजियोट्रोप्स का मतलब क्या हुआ? इट वॉन्ट शो कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट. बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट दे विल हैव? दे विल बी हैविंग अ कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स जो आपका सॉल्यूशन फॉर्म होगा, इट विल बिहेव लाइक अ प्योर लिक्विड, मीन्स द बॉइलिंग पॉइंट विल नॉट वेरी. ठीक है, सो जस्ट राइट इट डाउन. एजियोट्रोप्स का क्या होते हैं? लिक्विड मिक्सचर्स इन विच द वेपर फेज एंड द सॉल्यूशन फेज विल हैव द सेम कंपोजिशन. They behave like a pure liquid. What does it mean by they behave like a pure liquid? Means they will having a constant boiling point. ठीक है ना, constant boiling point. Boiling point will not vary. ठीक है, see this is a chart, it will be clear to you. Now A, I have taken, let's suppose ये आपका solvent है, B आपका solute है, और you can say A आपका solute, B आपका solvent है. Now we know water का boiling point कितना होता, if I'm taking in Kelvin, 373. What about alcohol? It is 351. Same, acetone ka boiling point have written and carbon disulfide ka boiling point. Same in this, so same in case of CaCl3, which is your chloroform. Theek hai? Now alcohol, I've taken CaCl3 and alcohol, and they will also having a specific boiling point when they are in pure state. But what will happen once you mix them? You will say, ma'am, abhi to bataya tha, they will be having a कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट. बट डिपेंड करता है उनके जो प्योर कंपोनेंट से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा.
सो इट डिपेंड्स वट टाइप ऑफ बॉन्डिंग दे विल फॉर्म. सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो बॉन्डिंग होगी, जो न्यू बॉन्डिंग होगी एज कम्पेयर टू देयर प्योर कंपोनेंट्स, दैट बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर और वीकर. ठीक है ना, दैट वी हैव डिस्कस्ड. इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, बॉइलिंग पॉइंट लो था, प्रेशर हाई था. बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों था? बिकॉज बॉन्डिंग वॉज वीकर एज कम्पेयर टू प्योर कंपोनेंट्स. इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, एवरीथिंग वॉज नेगेटिव. बॉइलिंग पॉइंट हाई था, बॉइलिंग पॉइंट हाई था तो वेपर प्रेशर कम था. नेगेटिव का मतलब वेपर प्रेशर की बात हो रही है, वेपर प्रेशर कम था. बॉइलिंग पॉइंट हाई था मीन्स दैट न्यू बॉन्डिंग वॉज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू प्योर कंपोनेंट्स. ठीक है, सो इट्स ऑल बेस्ड ऑन न्यू बॉन्डिंग. सॉल्यूशन में जो नया बॉन्डिंग बना है, बेस्ड ऑन दैट दैट विल बी हैविंग अ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स. ठीक है, सो द न्यू बॉइलिंग पॉइंट विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्योर कंपोनेंट्स, दैट वी कैन सी. ठीक है ना, मिनिमम के केस में क्या हुआ? इट इज टोटली सी डिफरेंट है बट इट इज मिनिमम. सो सेम इन केस ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स, सो इट इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू देयर प्योर कंपोनेंट्स. तो दिस इज ऑल अबाउट एजियोट्रोप्स. Okay, so now our new topic is colligative property. Before going further, just you have to keep few things in mind about colligative properties. Hote kya hai colligative properties? Colligative properties means properties which are linked to each other. Properties ek dusre se link hain. But wo properties kaise link hain? It is linked with only number of particles, number of moles, not on nature of particle. Means if I'm giving you urea and sucrose, although have they having a different nature, obviously urea is totally different as sucrose se. Yes, they will be having a totally different nature, but what you will say about their colligative property? Colligative property same rahega, number of particles same rahenge, urea dissociate karega nahi. So in solution the property will be one, means number of moles will be one. What about in case of sucrose? It won't dissociate, so number of particles will be 1. So number of particles we have to check. Kya number of particles same hai? If number of particles are same, so this means they show same colligative property. So here colligative property only depends on number of particles. Means how many ions or how many moles, how many particles they are producing in a solution. Based on that, we having a 4 types of colligative properties that we'll discuss in detail. Just write down few points. Colligative property only depends on number of particles. Colligative property do not depend on nature. It do not depend on nature. See, we have to see what type of compound I am giving to you. Urea dissociate nahi karega, sucrose bhi dissociate nahi karega. So number of moles, agar hum baat kare particle ki, ban rahenge, sucrose bhi ban rahega. So both will be having a same osmotic pressure. Both will be having a same relative lowering of vapor pressure. Both will be having a same depression in freezing point because number of moles same hai. We will discuss in detail what are the 4 types of colligative properties. Okay? Now, colligative property is a property of ideal solution. This is only the property of ideal solution, not for non-ideal solution. Okay? Now, for dilute solution, agar main beta concentrated solution de rahi hu, so jo ki colligative property hogi, that will be different. एंड जो आपका बेटा सॉल्यूट होगा, द सॉल्यूट दैट आई विल बी एडिंग इन सॉल्वेंट, दैट शुड बी नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या हुआ? वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए, मीन्स वो ईजिली वेपराइज नहीं होना चाहिए. ईजिली वेपराइज क्या होते हैं बेसिकली? जिनका बेटा बॉन्ड वीक होता है. ठीक है ना, जिनका बॉन्ड वीक होता है. फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म ईजिली वेपराइज हो जाता है. एसीटोन ईजिली वेपराइज होता है. वाई? बिकॉज जो बॉन्डिंग होती है बिटवीन वन एसीटोन टू अनदर एसीटोन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, वन एसीटोन का दूसरे एसीटोन मॉलिक्यूल्स के जो बीच में बॉन्डिंग है, दैट इज वीकर, इज अ वीकर वैन डर वाल्स फोर्सेस. सो ड्यू टू विच वट हैपन्स, वेपराइजेशन विल बी फास्टर. सो दिस मीन्स मोस्ट मॉलिक्यूल्स विल बी इन वेपर फॉर्म, ईजिली वेपराइज हो जाता है. अगर वेपराइज कम करना है, वेपर फॉर्म में कम करना है, ठीक है, सो वेपर प्रेशर कम करना है, हाउ यू कैन डू इट? यू कैन ओनली डू इट बाई इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between one acetone with another molecule. So you have to add such molecule by which the bonding between one acetone and another molecule will increase. So what will happen if new bonding will be there? That new bonding will be having a more stronger bond, so vapors will be less. Theek hai na, so it become now non volatile. So we have to add such solute that will be non volatile.
सो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स क्या होते हैं बेसिकली? सुक्रोज होता है, सुक्रोज वी नो ना, सुक्रोज में ओ एच बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है ना। एक सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखो, सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखोगे ना, यू विल फाइंडिंग ओ एच ओ एच बॉन्ड होते हैं। दैट ओ एच विल मेक अ बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड विद अनदर सुक्रोज मॉलिक्यूल। सो ड्यू टू स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द वेपराइजेशन विल बी लेस, ठीक है ना। सो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स विल बी इन सॉल्यूट फॉर्म ओनली, इन द लिक्विड फॉर्म ओनली, ठीक है। नाउ वट अबाउट यूरिया? अगर यूरिया का स्ट्रक्चर पता हो, स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा यूरिया का? सी डबल बॉन्ड ओ, NH2 मीन्स NH2 ग्रुप, ये अमाइन जो ग्रुप होते हैं आपके, अमीडो ग्रुप बेसिकली, दे आर ए टर्मिनल पोजिशन एंड एट सेंटर देर इज अ कार्बोनिल ग्रुप। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया। यूरिया में बेसिकली क्या है आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, इफ हाइड्रोजन इज अटैच टू एनी ऑफ द थ्री एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरिन, इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। सो अगेन यूरिया भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। सो ड्यू टू विच वट विल हैपन बेटा? वेपर्स में नहीं होंगे, बिकॉज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो दे विल बी इन लिक्विड फॉर्म ओनली, दे वॉन्ट फॉर्म वेपर ईजिली। वट अबाउट इन NaCl? सी NaCl तो डिसोशिएट हो रहा है, और डिसोशिएट होगा तो वट विल हैपन? अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, बट हेयर इन दिस केस आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सॉल्यूट। अगर वो सॉल्यूट है, एक सॉलिड फॉर्म में NaCl, तो NaCl बेटा क्रिस्टल के फॉर्म में है। वन Na+ इज लिंक टू वन क्लोराइड आयन, यस, वन Na+ पॉजिटिव चार्ज कट आयन इज लिंक्ड विद नेगेटिव चार्ज अनायन, अगेन दिस नेगेटिव चार्ज अनायन इज लिंक्ड विद पॉजिटिव चार्ज कट आयन। सो देर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज योर आयनिक बॉन्ड, और वी नो आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू योर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या ये वेपर में इजिली कन्वर्ट होगा? नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। फोर्थ कंडीशन क्या है बेटा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी शो करने की? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सी सुक्रोज नॉन वॉलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है। क्या इलेक्ट्रोलाइट है सुक्रोज? नो। सी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ना सुक्रोज, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, यस। वट अबाउट यूरिया? इट इज ऑल्सो कोवेलेंट बॉन्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं बेसिकली दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, क्या वो डिसोशिएट करेंगे? नॉट एट ऑल। बट NaCl तो डिसोशिएट करेगा ना, सो इन दिस प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपका NaCl बेटा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि NaCl ऑल्दो नॉन वॉलेटाइल है बट इट विल डिसोशिएट इफ यू मिक्स इन वाटर इन एनी सॉल्वेंट, बेसिकली इन एक्वस सॉल्वेंट। सो वट विल हैपन देन? सो यू हैव टू जस्ट रिमूव NaCl फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज, दिस आर बेसिकली द लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस विच शो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। होप इट इज क्लियर टू यू ऑल।